एस्ट्रो लवर्स ज्योतिष सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। रिलेशनशिप्स, हम इस साल में रिलेशनशिप्स को कैसे अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, कैसे उन्हें स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, क्या कुछ हम कर सकते हैं पॉजिटिव चीज़ों के लिए? रिलेशनशिप के लिए हमेशा दो डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर आपका बेडरूम इस डायरेक्शन में आते हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आते हो, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा फैमिली मेम्बर्स के एज वेल एज फ्रेंड्स के साथ भी। सो आप इस डायरेक्शंस को ज़्यादा यूज़ कीजिए। अगर आपका रिलेशन थोड़ा वीक है तो इन डायरेक्शंस पे फोकस कीजिए रादर देन वेल्थ पे ना फोकस करके। तो ट्राई टू आप इस डायरेक्शन पे आपका बेड रख लीजिए तो आपको इम्प्रूवमेंट, कम्युनिकेशन में सब इम्प्रूवमेंट दिखेगा। जब आप रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रही हैं तो उस टाइम पे भी हमें यही स्लीपिंग पैटर्न को ही ध्यान में रखना है? या स्लीपिंग, और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं अपने रिलेशंस को सुधारने के लिए? ऑफकोर्स यस, आप अगर मैंने जैसे बोला वो पॉजिटिव डायरेक्शन को भी इन्हेंस करते हो, आप उस जगह को भी अच्छा वाइब्रेंट रखते हो, पॉजिटिव रखते हो, क्लीन नीट, तो भी वो एनर्जी स्प्रेड होता है ना। ओके, तो वाइब्रेंट से आप क्या एग्जैक्टली मीन करती हैं? ठीक है, उसे साफ सुथरा रखना है और क्या कर सकते हैं? एक्टिव रखना है, एक्टिव रखना है और पॉजिटिव में मतलब मूवमेंट होना चाहिए, थोड़ा स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। वाइब्रेंट मीन समथिंग यू नो, कुछ वहाँ पे एक्टिविटीज होना चाहिए। ओके, शांत नहीं होना चाहिए। अगर आपका टीवी है तो इट्स वेरी गुड। ओके, अपना म्यूजिक सिस्टम है, यू कैन प्लेस फैंस है, अगर आपके पास फैन है तो टेबल फैन है, तो एक्टिविटीज हो जाते हैं। तो हम क्लासिकल फंक्शन में इस तरीके से मूवमेंट करके एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं और बेनिफिट लेते हैं। अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। पूरे वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Amazon फायर स्टिक पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, एयरटेल DTH पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रोवाणी चैनल, डिश टीवी और D2H पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया।